हाय गाइस, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मैं आप सबको रांची से पतरातू घाटी तक का सफ़र कराता हूँ और देख रहे हैं कि अभी सरूर पूजा पहुँचने वाला है और रास्ता में पूरा तैयारी हो चुका है लगभग लगभग। और कल परसों में सरूल पूजा है, सरना झंडा देख सकते हैं कि रास्ते के बीच में डिवाइडर में लगाया गया है झंडा। ये अभी रांची का तस्वीर है, मैं आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके ले जाऊंगा और आगे का भी तस्वीर ऐसे ही भी। तो बने रहिए इस वीडियो में। अभी हम लोग आगे पार कर चुके हैं और भैया के घर है, देख सकते हैं सारी जगह लगभग लगभग तैयारी हो ही चुका है। बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। देख रहे हैं सारा पूरा एकदम तैयारी हो चुका है और रास्ता भी पूरा क्लियर है, क्लीन। पेड़ पौधे में भी नए नए पत्ते आ गए हैं तो पूरा अच्छी लग रही है। कुछ नहीं है जो पतरातू घाटी देखने लायक है, काफी कम और देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं पिटुरिया पार करके हम लोग पतरातू घाटी की ओर लगभग लगभग पहुंच ही चुके हैं। देखिए पतरातू घाटी पहुंच गए हैं, इतने दर्शकों का भीड़ है, ऐसा ऐसे कई दिन ये जमावड़ा देखने को मिलता है क्योंकि बहुत काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तरह से पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता है,
उतना अच्छा नहीं लगता है, बस हम और देख लेते हैं। लगभग हम लोग घाटी उतर भी चुके हैं, ट्रेन चल जा रहे हैं, ट्रेन के लगभग 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में डैम है। इस ककराजपुर डैम में नौका विहार, बोटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखते रहिए, मज़ा देखते रहिए। देख सकते हो गैस करेपुर इलाके बुलाया गया है। मैं आपको शुरू में ही बताया कि शुरू हो गया है, अभी इसलिए है कि बाकी पेड़ में फूल फूल गया है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं हम लोग कम्प्लीटली घाटी उतर चुके हैं, और घाटी उतरने के बाद यहाँ जो जोड़ा पुल मिलता है, इस पुल का नाम याद से उतर गया है, तो बाद में फिर बता दूँगा।